प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों से की मुलाकात। कहा, समाज की बेहतरी के लिए शिक्षकों को रहना चाहिए समय से दो कदम आगे। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक रजनीत सिन्हा के आवास पर आगंतुकों की सूची से जुड़े दस्तावेजों को शपथ पत्र के साथ अदालत में जमा करने के दिए निर्देश। आगंतुकों की सूची की जानकारी को मीडिया में प्रकाशित करने पर रोक लगाने की रंजीत सिन्हा की अपील को किया खारिज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट आज से दो दिन के भारत दौरे पर। टोनी अबॉट ने मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। मुंबई में नई कोलंबो योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के छात्र एक दूसरे के यहाँ आसानी से दाखिला ले सकेंगे। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। अदालत के सामने नहीं हुए थे पेश। एक कन्नड़ अभिनेत्री ने लगाया था धोखाधड़ी का आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 50 बारातियों को ले जा रही एक बस बाढ़ के पानी में बही। पुलिस के मुताबिक इसमें से कई यात्रियों के मरने की आशंका। केंद्र ने भेजी एनडीआरएफ की टीम। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने आज राजस्थान के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी ने उन्हें राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल बनाए जाने को ठहराया उचित। कहा, राष्ट्रपति का है ये विशेषाधिकार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज डॉक्टर अंबेडकर स्मृति व्याख्यान को किया संबोधित। कहा, अंबेडकर चाहते थे कि भारत के लोग आजादी और अवसर की समानता के अधिकार हासिल करें। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर के धवन ने गुरुवार को चेन्नई में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा का जलावतरण किया। यह अपनी श्रेणी का चौथा जहाज है और इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 27,086 पर बंद हुआ तो निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 8,096 पर बंद हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाने के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच राजनीतिक दल स्थिति के समाधान के लिए संभावनाओं पर करेंगे चर्चा। संसद के समर्थन से नवाज शरीफ की स्थिति हुई मजबूत।